नवी मुंबई नेटवर्क। कोपरखेड़े बोनकोड़े गांव में शनिवार रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बोनकोड़े गांव के 25 वर्ष पुरानी 4 मंजिला साईदीप इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाने से इमारत के मलबे में दबकर तीसरी मंजिल पर रह रहे प्रियव्रत सर्वेश्वर दल की मौत हो गई। गौरतलब है कि 2007 से बनी इस G+4 इमारत में कुल 34 परिवार रह रहे थे और प्रियव्रत सर्वेश्वर दल तीसरे मंजिल में रहता था। सूत्रों का मानना है कि वह उस समय बाथरूम में था और हेडफोन कान में लगे होने के कारण शायद वह स्थिति को भांप नहीं पाया और हादसे का शिकार हो गया। तड़के सुबह पुलिस ने उसका शव मलबे से बाहर निकाला। गौरतलब है कि इस घनी आबादी गांवठान क्षेत्र में हुए इस हादसे के कारण बड़ी अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था। हादसे की खबर मिलते ही कोपरखेड़े और वाशी से दमखल विभाग की पूरी टीम रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंची। इतना ही नहीं, इस दौरान भारी पुलिस दल की तैनाती कर भीड़ को हटाया गया। सूत्रों की माने तो हादसे के पहले ही इमारत हिलने लगी थी और इसी को लेकर कुछ लोगों ने पहले ही इस इमारत को खाली कर दिया था। वहीं कुछ लोग अभी भी इमारत में रह रहे थे, तभी देर रात ये हादसा हुआ। इस दौरान अफरा तफरी के साथ वह पल बेहद भावुक पल भी बनकर साबित हुआ, क्योंकि कईयों का आशियाना इस इमारत के साथ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस दौरान पहली मंजिल में रह रहे प्रत्यक्षदर्शी श्याम मिश्रा ने अपने साथ हुई आपबीती बताते हुए कहा कि खाना छोड़कर जैसे ही बाहर भागे बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैं मम्मी भाई तीनों मतलब चारों खाना खा रहे थे तो हमारे खाने के ऐसा पीछे हमारा चार लादी ऐसा टूट के गिरा टाइल्स का, तो हम लोग को ऐसा कुछ तो लगा कि मतलब कुछ तो गिरने वाला है। तो हम लोग ऐसा किचन तक गए, अपना आधा खाना छोड़ के अपना किचन तक रखने गए, तो उधर से हम लोग जब तक नीचे आए तो भाई हमारा दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो हम मैंने खोला, भाई ने खोला, किसी ने नहीं खोला, तो मम्मी ने एक तो जोर लगा के खोला, तो हम लोग ऐसा बाहर भाग के आए, उसके एक मिनट में बिल्डिंग पूरा घिर के चुकी थी। हम लोग ये सामने पहला माले पे रह रहे थे। वही दमकल विभाग के मुख्य अग्निशमन दल के अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव ने बताया कि इस इमारत के साथ आसपास की धोखादायक इमारतों को भी तुरंत खाली करवाया गया है और एहतियातन बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। अग्निशमन केंद्र कोपरखेड़ इथली गाड़ी नंतर वाशीची गाड़ी या सर्व गाड़ा मैन पावर सहित इथे आल्यात। आता इथे आपण बघत आहोत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपला सर्च ऑपरेशन सुरू आहे। आजूबाजू की जो बिल्डिंग्स है वो भी डेंजर है। उन बिल्डिंग में से जितने भी लोग थे उनको सबको बोला गया है कि इस बिल्डिंग में रहो मत। हमने MACB का सप्लाई अभी यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम आके यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन फिर से चालू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी जो जो इमारत आप देख रहे हैं ये भी डेंजरस है अभी फिलहाल। वहाँ के लोगों को पूरी तरह से बोला गया है कि हाँ रहो मत करके। गौरतलब है कि इस घटना के बाद एरोली के विधायक गणेश नाइक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने तुरंत घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान गणेश नाइक ने महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग के प्रमुख शिरीष अरदवार, सहायक मनपा आयुक्त प्रशांत गावड़े से बचाव कार्य और पीड़ितों की परिस्थितियों का बेहद बारीकी से जायजा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस इमारत के साथ करीब में रह रहे लोगों को तुरंत रेस्क्यू करवा कर उनके रहने की व्यवस्था करने की सूचना मनपा अधिकारियों को दी। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा, ही इमारत साधारणपणे 20-25 वर्षापूर्वी बांधलेली आहे आणि खरं म्हणजे त्यावेळेला सिमेंटचा दर्जा, रेतीचा दर्जा हा अतिशय खालच्या दर्जाचा होता। आपण बघितले मध्ये सिवडला सुद्धा एक इमारत संपूर्ण मधले खाली आले, सिडकोने बांधलेल्या सुद्धा इमारती कोलॅप्स झाल्या आणि बिल्डरनी बांधलेल्या सुद्धा इमारत झाल्या। आता बाजूची सगळ्या इमारतीतले लोकांना खाली केलेलं आहे। पोलीस यंत्रणा, नवी मुंबई महानगरपालिकेची फायर ब्रिगेडची यंत्रणा ही कामाला लागलेली आहे।
भविष्यकालामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत याकरता आपण सगळेजण सतर्क राहू। इतना ही नहीं, इस दौरान संजीव नाइक ने भी स्थिति का जायजा लेते हुए मनपा के अधिकारियों से ये मांग की कि वह धोखादायक इमारतों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जाए। इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी और माननीय आयुक्त साहब अभी नए आए हुए हैं, नार्वेकर साहब, उनको बताया गया है। यहाँ अभी आरदवाड़ साहब खुद फायर ब्रिगेड के हमारे जो अफसर है यहाँ है, कल के कल ये बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा क्योंकि डेंजर है, ये और कई घर के ऊपर गिर सकती है। प्रशासन इसकी तहकीकात करेगी, आज ये घटना हुई है, कल और भी बिल्डिंग हो सकती है, तो हम मांग करते हैं कि ऐसी जो भी डेंजरस हुई बिल्डिंग है इसको खाली करके जो लोग हैं उनको और सुरक्षित जगह पर लिया भेजा जाए ताकि उनको जान को खतरा ना हो। वहीं कोपर खेड़ने के विभाग अधिकारी और सहायक मनपा आयुक्त प्रशांत गावड़े ने कहा कि इस इमारत और आसपास की इमारतों के लोगों को खाली करवा कर मनपा के माध्यम से रहने की व्यवस्था की जा रही है। दरमियान ही घटना घड़ी, एक्चुअली बिल्डिंग ती जुनी झाल्यामुळे पहिली लोकांनी खाली केली होती, 34 कुटुंब होते, अंदाजे 20 ते 25 वर्षापूर्वी बिल्डिंग होती। आता सध्या तरी आम्ही आता जी कुटुंब अफेक्टेड आहेत ती कुटुंबांची आम्ही बाहेर सोय करतो, पण आता ज्या बाजूची बिल्डिंग्स मधले आहेत ते किती लोक आहेत काय आहेत त्यांना खाली तर केलेलं आहे, आता लीज घ्यायचं काम चालू आहे। अभी फिलहाल खतरा नाही, अभी फतः यही है कि जो गिरावा आहे वो पार्ट को निकालना है, सबको निकालेंगे नहीं तो वो गिरने का चांसेस है। इसके लिए हम लोग अभी पूरा सिक्योरिटी करके सुबह से ये काम रेस्क्यू का चालू करेंगे। बगल का ये बिल्डिंग तो खाली किया है, सबको डाउन करेंगे, अभी हम लोग इल्लीगल रहेगी, देखना पड़ेगा, वो भी सब मुझे अभी सब देखना है प्रॉपर्टी में, टैक्स कार्ड में वगैरह क्या है वो। वही स्थानीय पूर्व नगर सेवक लीलाधर नाइक ने कहा कि इस इमारत का कॉलम सुबह से ही गिरने जैसा लग रहा था। उन्होंने घर खाली करवाने को लेकर शाम 7 बजे लोगों की मीटिंग भी ली थी, मगर कुछ घंटों बाद ये हादसा हो गया। आज 7 वाजता बिल्डिंग चाहिए गेलो हो, तर मी ते कॉलम वगैरे बघितलं, त्यांना घेतलं आत्ताच्या आता तुम्हाला बिल्डिंग खाली करावं लागेल, त्याच्यानंतर मी परत त्यांच्याबरोबर मीटिंग घेतली सर्वांना बोलवून, आणि तुम्हाला आत्ताच्या आता खाली करते, तर खाली करायच्या याच्यात होते तेवढं ते मी तिकडनं मी जेवायला बसलो असेल तेवढं ते मला फोन आला की बिल्डिंग पडते म्हणून, मग तसं सर्वांना काढून झालं होतं ते, आता त्यांना आम्ही जेवणाची वगैरे सोय केलेली झोपण्याची, आणि त्यांचं काय आता पुढचं हे आहे ते पालिका आयुक्त आपला आयुक्त पण साहेब नवीन आलेले आहेत, त्यांच्याशी गाठ घेऊन मग त्यांच्या राहण्याची सोय वगैरे ते मी करावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, नवी बे नेटवर्क।